अवुल पकीर, जैनुलुद्दीन कलाम, इनको हम APJ अब्दुल कलाम नाम से हम जानते हैं। अब्दुल कलाम जी 15 अक्टूबर 1931 वे साल में पंबन आइलैंड रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी मस्जिद में इमाम के काम करते थे और उनके पास एक छोटी नाव होती थी जिनमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से लेके धनुषकोडी और धनुषकोडी से लेके रामेश्वरम तक शहर करवाते थे। अब्दुल कलाम जी के परिवार में ये सबसे छोटे हैं। 4 भाई और 1 बहन इनके परिवार में थे और इन सब में अब्दुल कलाम जी छोटे थे। अब्दुल कलाम जी के पूर्विकों का हालत ऐसे नहीं था। वो बहुत नाव रहते थे उनके पास और बहुत जमींदार थे। वो श्रीलंका से लेके रामेश्वरम, रामेश्वरम से लेके श्रीलंका और रामेश्वरम से लेके धनुषकोडी तक यात्रियों को इधर उधर शेयर कराते थे और वो नाव में रामेश्वरम से लेके श्रीलंका तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते थे। उनके पास बहुत जमीन जायदाद थे और उनको सब लोग उनके गांव में और आसपास शहरों में उनको परिवार को जानते थे। लेकिन तकदीर ने कुछ और लिख दिया था। इनका जो कारोबारी बिजनेस था वो जब 1914वीं साल में पंबन ब्रिज बना था उस वक्त से इनका कारोबारी बिजनेस घटते आया था। बहुत नुकसान उठानी पड़ी और जिनके जमीन जायदाद पूरा बेचना पड़ा। और जब इनके पिताजी के समय आ गया था तो उनका खुद का घर भी बेचना पड़ा और घर चलाने की बहुत कठिनाई और बहुत तकलीफ सामना करना पड़ा। उसी समय अब्दुल कलाम जी घर घर पेपर भी बांटते थे स्कूल जाने से पहले। उनके पिताजी को घर घर पैसे बांटने के बाद जो पैसा आता था वो पैसा उनके पिताजी को देते थे और वो स्कूल चले जाते थे। बचपन में स्कूल में बहुत मेहनत करके पढ़ते थे। इनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हुआ करता था और वो जब स्क्वाड स्कूल रामांतपुरम में पूरे करने के बाद ये सेंट जोसेफ कॉलेज में ज्वाइन किए थे और ये मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट्स लेके वहाँ पास किए थे। और उसके बाद 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ज्वाइन हुए थे। और ऐसा समय था जहां उनके कॉलेज के डीन इनको एक प्रोजेक्ट काम के लिए ऐसा चेतावनी दिया था कि अगर समय पे अगर वो प्रोजेक्ट काम नहीं ख़त्म होगा तो इनका स्कॉलरशिप पूरा बंद कर देंगे। लेकिन कलाम जी वो दिए हुए समय से भी जल्दी वो प्रोजेक्ट का काम पूरा कर दिए थे जो उनका बहुत इंटरेस्ट था उसी सब्जेक्ट का, जो हमको इस चीज़ से पता चलता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद कलाम जी फाइटर पायलट पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे लेकिन वहाँ पे सिर्फ 9 लोग गए थे और उसमें 8 सीट थे। लेकिन कलाम जी वो फाइटर पायलट में सेलेक्ट नहीं हो पाए। बहुत चिंतित हुए, बहुत दुखी हुए और वो थोड़े दिन दुखी में थे। लेकिन तकदीर तो कुछ और लिखा था इनके ज़िंदगी में। 1960वीं साल में कलाम जी एरोनॉटिकल डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन हुए थे। वहाँ पे ये पहले होवरक्राफ्ट को डिज़ाइन किए थे। ये पहला होवरक्राफ्ट था जो खुद भारत देश में वो उनके प्लानिंग से बनाया गया था। और उसके बाद से 1969 में विक्रम साराभाई के नेतृत्व में कलाम जी इसरो ज्वाइन किए थे और वो पहली स्पेस सैटेलाइट व्हीकल SLV-3 लॉन्च में बहुत मेहनत किए और उसमें ये पूरा हेड थे, उसका डिपार्टमेंट का पूरा हेड थे। और ये सैटेलाइट लॉन्च होने का पूरा नाम इनको आया था और उसके बाद से कलाम जी का तकदीर बदल गई थी। कलाम जी डिफेंस के लिए अग्नि, पृथ्वी करके बैलिस्टिक्स मिसाइल्स भी डिज़ाइन किए और इसलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया करके जाने जाते हैं। और पूरे ऐसा चीज़ नहीं है जो स्पेस रिसर्च, मिसाइल्स, होवरक्राफ्ट
हर डिजाइन में इनका महत्वपूर्ण हाथ था। अब्दुल कलाम जी को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न और कई अनेक पुरस्कारों से इनको सत्कार और सम्मानित किया गया था। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इनको बुला के इनसे स्पीचेस लिया करते थे। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में इनको बुला के इनवाइट करके इनका भाषण सुनते थे। बच्चों इनको आदर्श लेते हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमारा ड्रीम अच्छा है तो उसके पीछे हमको बहुत कोशिश करना है। कलाम जी शादी नहीं किए थे और वो बहुत किताब लिखे, उसमें मशहूर किताब था द विंग्स ऑफ फायर एंड कलाम्स बायोग्राफी और बहुत किताब ऐसे लिखे थे जो तो अभी वक्त नहीं है बताने का, लेकिन बहुत आदर्श पूर्व किताबें थे वो। और अब्दुल कलाम जी इंडियन न्यूक्लियर फर्स्ट टेस्ट पोखरान 2 में ए नेतृत्व लिए थे और अमेरिकन सैटेलाइट्स को बचाते हुए इस टेस्ट को करना था और वे राजस्थान में पोखरान में किए थे और बहुत कामयाब था। इसके बाद से हमारा भारत देश भी न्यूक्लियर वेपन संभालने और बनाने का कामयाबी और सफलता रखता है और नाम करता है। वो स्वयं आत्मनिर्भर हो गया था। और अब्दुल कलाम जी अक्टूबर 27, 2015 को शिलोंग में एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे लेक्चर देते देते स्टेज पे इनको हार्ट का दौरा हो गया था और उनका निवेदन वहीं पे हो गया था। हॉस्पिटल भी लेके गए हैं लेकिन कुछ सफलता नहीं प्राप्त हुई और कलाम जी इस दुनिया से चल बसे थे। और इनका अंतिम संस्कार उनके ही गांव में, तमिलनाडु में रामेश्वरम में, उनके ही मुस्लिम के तरीके में किया गया था और सब शख्स वहां उनके अंतिम संस्कार देखने के लिए वहां पहुंच गए थे। लेकिन 2015 इंडिया के लिए बहुत दुखी साल था क्योंकि वहां एक ऐसे शख्स को इंडिया ने खो गया जो सब बच्चे बड़े सब पसंद करते थे। मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और आपको दोस्तों के भी मेरे वीडियोस शेयर कीजिए। कुछ भी गलतियाँ, मिस्टेक्स होगा तो कमेंट्स में आप शेयर कीजिए, मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा और चेंज करूँगा। थैंक यू।